जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कहता है कि आपको इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि हम बहुत उटपटांग चीज़ें खाते हैं डे टू डे लाइफ में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग यही सोच रहे हो कि शाहवाज खान सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं। गाइस, मैं आप साथ डिस्कस करने वाला आज बहुत इम्यून सिस्टम और जो बूस्ट करते हैं। आज मैं आप साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। गाइस, आप बने रहे हमारे साथ। जो हमारे लोकलिटी के लोग हैं यहाँ पर, हम लोगों ने आज जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि हम सूप बनाएंगे, फिर हमने सोचा कि हम अपना मतलब कि हमारे पड़ोस लोग हैं इनको ही देंगे। फिर जो हमारी जो दादी, इसने कहा कि क्यों आप लोग पूरे गांवों को दे दो। आज हम बनाने वाले हैं सूप, करीबन 300 लोगों को हम सूप देने वाले हैं। गाइस, 300 लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग जो ये सूप बनाते हैं, आज हम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो जो रेसिपीज़ क्या, इससे क्या होता है, आप लोगों को जो कफ होता है, जिसको खांसी ज़ुकाम, वो सब ठीक हो जाता है उस रेसिपी से। आइए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको, बनिए रहे हमारे साथ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर बहुत तैयारी हो रही है इसका सूप का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ गाइस, बहुत सूप अभी मैं आपको दिखाऊँगा आप लोगों को हम कितना बड़ा सूप बनाने वाले हैं। अभी जो आधा इन्होंने सामान लगाया, मैं थोड़ा सा लेट ही पहुंच गया था, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या क्या लगाया यहाँ पर। जैसे कि खुद दिख रहा होगा यहाँ पर, पहले हमने पेस्ट बनाया इसका, अदरक, लहसुन और ब्लैक पेपर्स, काली मिर्ची और बहुत सारे हमने मसाले लगाए। मगर कौन से मसाले, जो लोकल यहाँ पर जो लोकल लोग लगाते वो सब मसाले लगाए हमने यहाँ पर। फिर मैं आपको बताऊंगा अभी हम क्या क्या लगाने वाले हैं। अब बनिए रहे हमारे साथ, बाय बाय। जैसे अभी हमारा सूप बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, आप बता सकती हो ये सूप किसके इलाज के लिए? थोड़ा सा कुछ, ये खांसी जुकाम के लिए अच्छा होता है, ये कोरोना के लिए भी अच्छा है ये सूप। इसी इन्होंने कहा कि जो ये सूप है कोरोना के लिए भी अच्छा होता है, जब आपको जुकाम उकाम, जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, और जब तक आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तब आप को कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकते। और ये लोकल दवाएं हैं यहाँ पर लोगों के लिए। अभी यहाँ पर बहुत धुआं आ रहा है, मैं उससे बाद में मिलता हूँ। जैसे कि अभी चिकन बना रहा है मेरा भाई यहाँ पर, चिकन काट रहे हैं, बना नहीं रहा है भाई। ये चिकन थोड़ा सा बता सकते, चिकन क्यों काट रहे हैं, क्या बना भाई? चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है भाई। जैसे कि आपने कहा कि चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, मतलब छोटा कितने क्यूट से लड़का है यहाँ पर। हाय करो। हाय, चलो गाइस, आप बनिए रहे हमारे साथ, हम थोड़ी देर के बाद आपसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी काम बहुत करना है। बाय बाय। अभी यहाँ पर बना रहे हैं यहाँ पर, एक ये क्या है? ये आटा है। और जैसे कि यहाँ पर आटा, घी, इनको सब मिक्स करके फिर हम सूप में लगाएंगे। उस इसी तरह यहाँ पर चिकन भी बना रहे हैं यहाँ पर, चिकन का छोटे छोटे पीस करके, जो चिकन वो बहुत प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा होता है। और सब हमने चावल लगाया है और व्यास व्यास बनाया है। ये इलाज किसके लिए है? जो खांसी वासी, जिसको खांसी होता है और जुकाम होता है, इन लोगों के लिए है। और छोटा छोटा हमारे यहाँ पर, हाय करो। जैसे अभी हमारा सूप बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, आप बता सकती हो ये सूप किसके इलाज के लिए? थोड़ा सा कुछ, ये खांसी जुकाम के लिए अच्छा होता है, ये कोरोना के लिए भी अच्छा है ये सूप। इसी इन्होंने कहा कि जो ये सूप है कोरोना के लिए भी अच्छा होता है, जब आपको जुकाम उकाम, जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, और जब तक आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तब आप को कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकते। और ये लोकल दवाएं हैं यहाँ पर लोगों के लिए। अभी यहाँ पर बहुत धुआं आ रहा है, मैं उससे बाद में मिलता हूँ। जैसे कि अभी चिकन बना रहा है मेरा भाई यहाँ पर, चिकन काट रहे हैं, बना नहीं रहा है भाई। ये चिकन थोड़ा सा बता सकते, चिकन क्यों काट रहे हैं, क्या बना भाई? चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है भाई। जैसे कि आपने कहा कि चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, मतलब छोटा कितने क्यूट से लड़का है यहाँ पर। हाय करो। हाय, चलो गाइस, आप बनिए रहे हमारे साथ, हम थोड़ी देर के बाद आपसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी काम बहुत करना है। बाय बाय। हमारा सूप बन गया है और हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को।
सभी को हम पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू बताऊंगा, फिर जब मैं खाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट था। ये इतना खाते दोनों कहने की बात ही नहीं। और वहाँ भी देखो कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पर। फाइनली जो हमारा जो सूप रेडी हो चुका है और मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ क्या टेस्ट है यहाँ पर। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही। और हमारा सा छोटा सा नन्ना सा यहाँ पर लटका है, ये कौन है। फाइनली हमारा सूप रेडी हो चुका है गाइस, बहुत ही टेस्टी बना है और इतना गर्म है, गर्म खाना चाहिए थोड़ा सा, इतना गर्म भी नहीं फिर भी ठीक ठाक ही है। और मैंने आपको ढंग से बोला नहीं इनका रेसिपी क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जियाँ लगाए इन लोगों ने, और जो ये हर साल बनाते हैं यहाँ पर, साल नहीं महीने महीने में यहाँ पर लोग बनाते रहते हैं और ये लोगों को देते रहते हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इससे जो खांसी वांसी वो सब ठीक हो जाता है। और यहाँ पर जो लद्दाख में हर एक घर में बनाते रहते हैं रेसिपी, हर टाइम बनाते हैं सूप, हर एक घर में बनाते रहते होंगे। और मंथ जैसे कि महीना कम्प्लीट होता है, महीने के बीच में ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो कल्चर है, जो लद्दाख का कल्चर वो भी रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे भाषा में इसको बोलते हैं खितुक, और लद्दाखी की भाषा में इसको बोलते हैं थुकपा बोलते हैं। चलो गाइस बने रहे हमारे साथ, बाय बाय। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरा खाना वाना। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।